I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. महर्षि पराशर की कृपा से माता सत्यवती ने मुझे जन्म दिया और इसी कारण उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। चलो गंगा पुत्र। माते, मुनिवर वेदव्यास आए हैं। आइए मुनिवर। माता प्रणाम। क्या आदेश है मां? आइए। चिंता का कारण माते? मैं चिंतित नहीं हूं पुत्र। मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वो कोई माता अपने पुत्र से कैसे कहे। पिताश्री ने आपसे यही कहा था ना माते, कि आपके कंधों पर इतिहास का बोझ पड़ने वाला है। मैं सब जानता हूं माते। संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। मेरे पिता के दुराग्रह ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। संभव है पिताश्री ने मुझे इसी ऐतिहासिक क्षण पर आपकी सेवा करने के लिए मृत्यु लोक में आने का आदेश दिया था। आपका क्या आदेश है माते? यदि जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ इसलिए रहा हूं माते, ये केवल माता और पुत्र की समस्या नहीं है। इस समस्या का संबंध औरों से भी है। इस समस्या का संबंध हस्तिनापुर से भी है और भारतवर्ष के इतिहास से भी। और आप केवल मेरी माता नहीं है, आप राजमाता भी हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए माते। राजमाता की यह समस्या है कि हस्तिनापुर का सिंहासन सूना है। मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग गए हैं। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मचर्य के लिए वचनबद्ध है, इसलिए मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को कष्ट देना पड़ा। अंबिका और अंबालिका की कूप का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम चित्रांगत और विचित्र वीर्य के ज्येष्ठ भ्राता हो। आपका आदेश सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उग्र साधना में था, आपका आदेश मिला वैसे ही चलाया, भीष्म का स्वागत भी न कर सका। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। एक वर्ष उपरांत मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। मेरे पास एक वर्ष नहीं है पुत्र,
आप माता हैं, आप मेरा रूप देख नहीं रही। माँ का आदेश है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वर्तमान की झोली में अपना उपहार डालकर आगे बढ़ जाए। मातेश्वरी, अंबिका, आपने क्यों कष्ट किया माते? मुझे बुला लिया होता? नहीं पुत्री, ये बुलाकर कहने वाली बात नहीं है, ये आकर कहने वाली बात है। बैठ जाओ पुत्री। पुत्री, तुम्हारे जीवन में वसंत ऋतु आने से पहले ही पतझड़ ने डेरा डाल दिया, पर जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं पुत्री। ऋतुएं हमारे वश में नहीं, ये मृत्यु लोक एक परीक्षा गृह के भांति है। परीक्षा देने के पश्चात निकल जाना पड़ता है। तुम्हारी एक कड़ी परीक्षा शेष है पुत्री। आदेश माते। प्रश्न मेरे आदेश देने का नहीं, प्रश्न है तुम्हारे समर्पण का। रीति ये कहती है कि यदि पति अपने किसी कर्तव्य का पालन किए बिना चला जाए तो चाहने वाली पत्नी का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने पति के उस कर्तव्य का पालन करे। मेरे पुत्र विचित्र वीर्य का यह कर्तव्य था कि वो मृत्युलोक त्यागने से पहले हस्तिनापुर को उसका युवराज दे देते, परंतु जीवन की निष्ठा कच्ची निकली। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हस्तिनापुर को उसका युवराज दो। ऋषि व्यास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्री।
प्रणाम माते। आओ पुत्र। दुखी लग रहे हो। जी माते। कारण? कारण वही माते, वही हुआ जिसका मुझको डर था, इसीलिए मैंने आपसे एक वर्ष हेतु अवकाश की प्रार्थना की थी। अंबिका मुझे देखकर डर गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम यह होगा कि वो एक नेत्रहीन बालक को जन्म देगी। कालेश्वर की यही इच्छा रही होगी। मैं अंबालिका को समझा दूंगी। तुम हस्तिनापुर के भविष्य के द्वार पे खड़ी हो अंबालिका, आओ डरो मत। क्या करता माते, काल मेरे वश में नहीं है। अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु डर से उसका रंग उड़ गया। उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। एक अवसर और तो पुत्र, माता श्री चाहे जो कहें, मुझे नहीं जाना ऋषि के कक्ष में, तुम चली जाओ। ना बाबा, मैं अब गई तो डर के मारे प्राण ही त्याग दूंगी। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी ऋषि के कक्ष में, मैं नहीं जाऊंगी दीदी ऋषि के कक्ष में। परंतु मातेश्वरी के आदेश का क्या होगा? वही तो मैं सोच रही हूँ, पर मैं नहीं जाऊंगी ऋषि के कक्ष में, मैं नहीं जाऊंगी। तुम अपने प्राण बचाओ, मैं दासी को भेज देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। दासी भेज दी? हाँ माते। और वह दासी पुत्र बड़ा ही विद्वान होगा, और जब तक यह मृत्यु लोक है
मानव जाति उसका नाम आदर के साथ लेती रहेगी और जिन दो राजकुमारों की वह सेवा करेगा उनका इतिहास में अपना अपना स्थान होगा, अपना नाम होगा। हस्तिनापुर तुम्हारे आशीर्वाद का सदैव ऋणी रहेगा पुत्र। अब आज्ञा दो माता। सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान जैसी जननी भावना वैसी ही संतान वैसी ही संतान। राजमाता की जय हो। क्या समाचार लाई हो? महारानी अंबिका के यहाँ पुत्र हुआ है। तुमने राजकुमार को देखा? देखा राजमाता, श्वेत वर्ण, उदय होते हुए सूर्य की भांति अति सुंदर। आंखें कैसी हैं? पता आंखें कैसी हैं? हे भगवान, राजवैद्य ने देखा? क्या कहा राजवैद्य ने? राजवैद्य ने देखा? क्या कहा राजवैद्य ने? एकांत राजमाता की जय हो। कहो क्या समाचार लाई हो? महारानी अंबालिका के यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है। राजवैद्य ने राजकुमार को देखा? देखा राजमाता, राजकुमार बहुत ही गोरे और चंद्रमा से भी श्रेष्ठ। आगे कहने की आवश्यकता नहीं, तेरी आंखों ने सब कुछ बता दिया है। मुझे जाने क्या हो गया है, जो जानती हूँ उसे जानने का फिर यत्न कर रही हूं। जैसे दासियां भाग्य चक्र की धुरी बदल देंगी। जाओ, मुझे हस्तिनापुर के दुर्भाग्य के साथ अकेला छोड़ दो। हे भगवान, मेरे पिता की महत्वाकांक्षा का दर्द कब तक चलेगा? सत्यवती को क्षमा कर दो भगवान, मेरे पिता के किए का दंड हस्तिनापुर क्यों भुगते हैं? क्यों भुगते हैं? क्यों भुगते हैं? Oh!
राजमाता की जय हो। तुम जो बताना चाहती हो वो मैं पहले से जानती हूं। अंबिका की मुख्य दासी के यहां एक स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया है ना? जी राजमाता। उस दासी और उसके बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए। वो हमारे पास भविष्य की धरोहर है। जो आज्ञा राजमाता। ऋषि व्यास की अपार कृपा से तीन राजकुमार पैदा हुए। उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन जन्मा। अंबालिका का पुत्र पांडु वैसे तो ठीक था, परंतु राजवैद्य उसके स्वास्थ्य से अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो बहुत श्वेत रंग का था। हाँ, दासी पुत्र विदुर हर दृष्टि से ठीक था। जब ये तीनों बच्चे सीखने और पढ़ने की आयु में आए तो भीष्म उन्हें लेकर राजभवन से चले गए, और जब वे उनकी शिक्षा से संतुष्ट हो गए तब अपने युवा शिष्यों को लेकर राजभवन लौटे कि उन्हें राजमाता सत्यवती को भेंट करें। आओ गंगा पुत्र। प्रणाम माते। यहां आओ, मेरे पास बैठो। अब बताओ, तुम्हारे विद्यालय और शस्त्रालय कैसे चल रहे हैं? तुम्हारे शिष्य कैसे हैं? ये आप उन्हें से पूछ ले माते। गुरु राजकुमारों की जय। मैं विदुर की माँ हूँ। प्रणाम माते। प्रणाम माते। माते, माते, आओ धृतराष्ट्र। माताओं को प्रणाम। धृतराष्ट्र, ये माता सत्यवती हैं। चिरंजीवी रहो। माता अंबिके। माता अंबालिके। आयुष्मान भव। आओ। यहां वे राजू। पांडु आओ। आओ पांडु। दादी माँ को प्रणाम। चिराई है। माते। आयुष्मान। आओ, आओ मेरे साथ। यहां मेरा जो आओ विदुर। आयुष्मान। आयुष्मान। आओ विदुर। क्षमा कीजिए तातगुरु, मेरा स्थान यहां नहीं वहां है। हाँ कहो गंगा पुत्र। माते, मैंने जो कुछ ऋषि भार्गव से सीखा था वो पांडु को सिखा दिया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नहीं
जो पांडु के बाणों का सामना कर सके। गुरु वशिष्ठ और बृहस्पति देव से मुझे श्रेष्ठ सिद्धांत और राजनीति का जो ज्ञान मिला था वो मुझसे विदुर ने ले लिया है। ये इस युग का परम विद्वान और नीतिवान है और इसका नाम सदा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। और मेरा धृतराष्ट्र गंगा पुत्र? धृतराष्ट्र कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र है माते। ये बड़ा बलवान है, पाषाण को चुटकी से मसल सकता है। ज्ञान में ये पांडु और विदुर का साझीदार है। पांडु और विदुर इसकी दो आंखें। श्री नारायण की कृपा से प्राप्त, ऋषियों के आशीर्वाद से पालित पोषित, शक्तिशाली वीर पूर्वजों की भुजाओं से सुरक्षित इस राज्य में, इस राज्य की राजधानी में और राजधानी के इस स्वयंवर भवन में अभ्यागत राज समाज का अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी अपनी अपनी वैभवशालिनी राजधानियों से इस स्वयंवर भवन की शोभा बढ़ाने आए, हम आपका अनुग्रह सादर स्वीकार करते हैं। आपने यहां आकर आर्य राज समाज की प्राचीन परंपरा को इस प्रकार अपना समर्थन प्रदान किया है। यह परंपरा जो आर्य राज कन्याओं को स्वयं अपना वर मनोनीत करने का अवसर प्रदान करती है, इस रीति से स्वयं राज कन्या अपने मनोदीप के प्रकाश में अपने भविष्य को उज्जवल करने का संकल्प करती है। उपस्थित राजसभा में जिसे राजकन्या अपना वर मानकर वरमाला से विभूषित करेगी, उसे राज समाज के अन्य सभी राजा धन्य कहकर बधाई देंगे। वो काल देश के लिए आपत्तिकाल होगा जब आर्य कन्याओं से स्वयं अपना वर मनोनीत करने का अधिकार ले लिया जाएगा। आशा है और विश्वास भी कि आज मेरी पोषित पुत्री कुंती जिसे धन्य करेगी उसे सभी धन्य कहेंगे और यह शुभ अवसर सचमुच शुभ अवसर हो जाएगा। मेरी पुत्री के जन्म का नाम तो प्रिथा था। इसकी माता नागवंश भूषण आर्य की कन्या और इसके जनक है यदुकुल श्रेष्ठ सूरसेन, जिन्होंने कुंती भोज को अपने प्रेम का ऋणी बनाया और प्रथा को मेरी गोद में दे दिया। वही प्रथा यहां कुंती कहलाई और राजघराने के लिए वरदान बन गई। कुंती के आते ही राजघराना संतान से लहलहाने लगा। भाग्यशाली भाइयों की यह सौभाग्यशाली बहन अब अपने भाग्यशाली वर को मनोनीत करेगी। महेशमती नरेश, ओंकारेश्वर भक्त, नर्मदा देवी के कृपा पात्र, अग्नि देव जिनकी यज्ञशाला के संरक्षक हैं। उज्जैनी नरेश, महाकालेश्वर के उपासक जिनकी महासेना, मगध के राजकुमार, महायोद्धा गदाधारी जरासंध, कामरूप नरेश, प्राग ज्योतिषपुराधीश, महामंडलेश्वर कलिंगराज, कौशल नरेश, न जाने राजकुमारी आज किसे अपने भाग सुहाग का स्वामी बनाएगी। ये तो विधाता ही जाने, किंतु इनमें से किसी एक को चुनना काम में कठिन। मुझे तो राजकुमारी के वरमाला के योग एक ही गला दिखाई दे रहा है। किसका? वो जो राजाओं महाराजाओं के इस सरोवर में कमल की तरह खिला हुआ है। अरे तेरी आंखों को क्या हो गया, तुझे हस्तिनापुर नरेश दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रवंश भूषण, कुरुकुल गौरव,
हस्तिनापुर नरेश, अंबालिका नंदन, दिग्विजयी, महाराज पांडु। किसके साहसी ध्वज है जो हस्तिनापुर के ध्वज के सामने सर झुकाए बिना चले आ रहे हैं? ये मध्य देश के ध्वज है महाराज। मोर्चा! सारथी, रथ आगे ले। ये कैसा योद्धा है और किस तरह का युद्ध करने आ रहा है? नरेश, यदि आप मित्रता का हाथ लेकर आ रहे हैं तो स्वागत है, यदि नहीं तो वही रुक जाइए। मित्रता तो बराबर वालों में होती है नरेश। तो इस प्रकार ध्वज लहराती सेना लेकर आने का कारण? ये ध्वज भी आपके हुए महाराज, और इस ध्वज की छाया में आने वाली सेना भी। ऐसा नहीं है कि हमको लड़कर मर जाना नहीं आता, आता है। और अगर अपनी आन और बान पर लड़ मर जाने में हम सबसे आगे नहीं है तो सबसे पीछे भी नहीं है। परंतु हस्तिनापुर नरेश पांडु के आगे सर झुकाने में हमारे सम्मान को कोई ठेस नहीं लगती। क्या हस्तिनापुर नरेश हमारी मित्रता स्वीकार करेंगे? और यदि नहीं तो हम लड़कर मर जाने के लिए भी तैयार होकर आए हैं। हमें मित्रता बहुत अच्छी लगती है मद्र नरेश। विश्व में मित्रता के हाथ से अधिक सुंदर तो कुछ है ही नहीं। वो मित्र कैसा जो मित्र का सर नंगा कर दे? ये मुकुट जहां है वहीं अच्छा लग रहा है।
परंतु मित्र की एक भेंट तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। हमने स्वीकार की अनजाने ही, मित्रों के बीच में जाना क्या और अनजाना क्या। अमृत पिलाकर आप मुझे विष थोड़ी पिला देंगे। की ओर से यह भेंट। यह सारथी नरेश? जी, यह सारथी आपके जीवन रथ के लिए है। जीवन रथ के लिए? यह मेरी बहन माद्री है महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट में? मैं कुछ समझा नहीं। क्रोधित न होइए नरेश, वो मनुष्य नेत्रहीन ही होगा जो राजकुमारी माद्री की सुंदरता से प्रभावित न हो। ये चंद्रमुखी तो इस चंद्रवंशी के हृदय में प्रकाश कर देगी, मेरे जीवन में इंद्रधनुष के सातों रंग खोल देगी। परंतु इसे स्वीकार करना या न करना तो महारानी कुंती का कार्य है। यदि उन्हें आपत्ति न हो तो राजकुमारी माद्री के लिए हस्तिनापुर और मेरे हृदय दोनों ही के द्वार खुले हुए हैं। मुझे महारानी की सेवा में ले चलिए महाराज, वो ही निर्णय ले लें। क्योंकि भाई महाराज तो कन्यादान कर चुके, अब मैं जानूं और मेरा भाग्य। नरेश, हमें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए महाराज। हस्तिनापुर से बुलावा आ जाने पर आर्यपुत्र का आनंद देखिए। यदि ये दादी माँ का आदेश ना होता तो आर्यपुत्र अवश्य रुक जाते। माद्री जी को वश में करना सीखो, मन को मारना सीखो। मन कोई मृत थोड़ा है दीदी कि बाण चलाऊं और उसे मार लूं। ईश्वर ने जीवन तो जीने के लिए दिया है ना दीदी। परंतु जीने के कुछ नियम होते हैं और एक नियम ये भी है कि दादी माँ का आदेश मिलते ही हमें लौटने की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। दीदी आप तो सदा इन्हीं का साथ देती हैं। हम दोनों ने तो इनका साथ देने के लिए ही जन्म लिया है माद्री। ये बाघ तो कहीं आसपास ही है। आर्य पुत्र इसे मेरे लिए मार लाइए ना। परंतु उस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है। दीदी परंतु आर्य पुत्र भोजन तो करते जाइए। लौट कर खा लूंगा। हाँ
ईश्वर। मैंने तो शब्द वेदी बाण चलाया था ऋषिवर, जो ध्वनि को ध्वनि से अलग ना कर सके राजन, उसे शब्द वेदी बाण चलाने का अधिकार ही नहीं, तुमने अपने अधिकारों की सीमा रेखा का उल्लंघन किया है राजन, तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। नहीं ऋषिवर, मेरी वंश रेखा काटने वाले राजन, मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा, वही क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। नहीं। ओम। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, बड़ा अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? मैंने तो बाघ की आवाज पर शब्द भेदी बाण चलाया था, परंतु जब वहां पहुंचा तो देखा मेरा बाण ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की छाती छेद गया। ऋषि किंदम, हे भगवान! परंतु मैंने उन पर बाण नहीं चलाया कुंती। मैं जानती हूँ आर्यपुत्र, हस्तिनापुर के सम्राट का बाण भला किसी ऋषि की ओर कैसे जा सकता है? पर दुर्घटना तो हो ही गई, मेरे माथे पर एक ऋषि की हत्या का कलंक तो लग ही गया कुंती, लग ही गया। इस हत्या से आपका क्या संबंध आर्यपुत्र? हत्यारे तो मैं हूं, आप तो भोजन कर रहे थे, बाघ जन्म की लालसा तो मुझे हुई थी। नहीं, ये कर्म मेरा है माद्री, मैं समाज का ऋणी हो गया, ये ऋण मुझे ही उतारना है। यदि ये ऋण है तो ऋणी मैं भी हूं, हम दोनों ही मिलकर ये ऋण उतारेंगे। अर्थात मैं अकेली पड़ गई, मुझे तुमसे ये आशा न थी माद्री, मैंने तो तुम्हें अपने जीवन में बराबर का भागीदार बनाया था, और जब इस दुर्भाग्य में भागीदारी का समय आया तो तुम दोनों ने मुझे अलग कर दिया। ये बात नहीं दीदी, तुम तो हमारी शक्ति हो, हमारा साहस, हमारा गौरव, हमारी पहचान हो, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? महाराज की जय हो। महाराज पांडव वन विहार से लौटने के बाद सीधे इधर ही आ रहे हैं। उनका वन विहार तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया, परंतु वो दादी माँ के पास जाने की जगह सीधा मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें संदेह है गांधारी कि मैं उनका ये राजमुकुट नहीं लौटाऊंगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं आर्यपुत्र? राजा का पहला कर्तव्य राज्य की ओर होता है, इसलिए वो सीधे आपके पास आ रहे हैं। बाही फैलाकर उनका स्वागत कीजिए आर्यपुत्र। हाँ, स्वागत तो करना ही पड़ेगा, स्वागत भी करूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा।
प्रिय पांडु। तुम्हारा वन विहार कैसा रहा अनुज? बड़ा अनर्थ हो गया भ्राताश्री। क्या हुआ? मेरे हाथों ऋषि किंदम की हत्या हो गई। हत्या या दुर्घटना अनुज? हत्या तो तुम कर नहीं सकते और दुर्घटना पे तुम्हारा वश नहीं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर तो केवल विदुर ही के पास है। प्रिय पांडु, इस राज मुकुट को पहनो और राजसभा में चलकर विदुर से यह प्रश्न करो, वहीं ताश्री भी होंगे। ये कोई प्रश्न ही नहीं, तो उत्तर कैसा आर्य पुत्र? प्रश्न तो ये है गांधारी, अवश्य। लो अनुज, इसे पहन लो। इन सब प्रश्नों का उत्तर तो राजसभा में ही मिलेगा। चले। आप कुछ भी कहिए, परंतु मृत्यु तो हुई है, और वो भी पांडु महाराज के बाण से। मृत्यु तो है, परंतु हत्या नहीं है। पांडु ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है, इसलिए ये पाप नहीं है। यदि ये पाप नहीं है तो फिर दंड क्यों? मेरे विचार में तो ये केवल एक दुर्घटना है। दुर्घटना थी, इसीलिए तो प्रायश्चित आवश्यक है। यदि हत्या होती तो इस देश के न्याय के अनुसार इन्हें अपने आप को मृत्यु दंड देना पड़ता। मैं विदुर से सहमत हूं। मैं हस्तिनापुर नरेश होने के नाते अपने आप को यह दंड देता हूं कि इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं वनवास ले लूं और ऐसा करके प्रजा के सामने एक आदर्श रखूं, एक दृष्टांत बनूं। इस दुर्घटना के साक्षी केवल आप ही थे महाराज। यदि आप चाहते तो इस दुर्घटना को छिपा भी सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप ही न्याय हैं और आप ही न्यायाधीश। यदि राजा न्याय का आदर नहीं करेगा तो प्रजा कभी उसका आदर नहीं करेगी। इसलिए कुरु इतिहास सदा आपके इस निर्णय पर गौरव करता रहेगा महाराज। आर्यपुत्र, वो कौन सा विचार है आर्यपुत्र जो कुंती और माद्री से अधिक प्यारा हो गया? ये विचार एक नरक है रानी, एक दहकता हुआ भभकता हुआ नरक, जिसमें मेरे जीवन का एक एक क्षण सूखी लकड़ी की तरह जल रहा है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं आर्यपुत्र, तो वो नरक आधा मेरा हुआ, मुझे बताइए आर्यपुत्र। तुम्हें वो दिन याद है कुंती, जिस दिन मैंने तुम्हें और माद्री को अश्वारोहण के लिए उकसाया था और जीतने पर तुम दोनों ने मुझे एक पुरस्कार देने का वचन दिया था? और मैं आगे निकल गई तो? असंभव। दांव पर क्या लगाओगे? हार गई तो क्या दोगी? जो आप कहें। जीत गया तो बेटे लूंगा, वो भी 5। चलिए स्वीकार, 2.5 मैं दे दूंगी और 2.5 दीदी। नहीं नहीं, दीदी बड़ी हैं, दीदी 3 बेटे देंगी और 2 बेटे मैं। परंतु अगर आप हार गए तो? हार गया तो बेटे दूंगा, जीत गया तो बेटे लूंगा। देखा दीदी, जीत भी इनकी और पट भी इनकी। तुम दोनों वो वचन पूरा नहीं कर सकती। क्यों आर्य पुत्र? यही ऋषि किंदम का शाप है कुंती। शाप? मुझे वंशहीन बनने का पाप सहन करना होगा।
वंशहीन मरने का पाप। एक उपाय है आर्यपुत्र। उपाय? मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से किसी भी देव का आह्वान किया जा सकता है। यह वशीकरण मंत्र है। तो उस मंत्र का उपयोग करो। यदि उस मंत्र में शक्ति है वरदान देने वाले देव के वशीकरण की, तो आह्वान करो धर्मराज का, आह्वान करो। पुत्र, इस बालक में धर्म का अंश है। ये धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा और युद्ध में स्थिर रहेगा। तो हे कुंती, इसका नाम युधिष्ठिर रखना। ताश्री, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो महाराज। बधाई हो, कुर राजवंश में युवराज पैदा हुआ है। अर्थात पांडु के यहां पुत्र पैदा हुआ है, युधिष्ठिर नाम रखा है। हमारी ओर से उन्हें और हमारी कुलवधु को बधाई भेज दीजिए ताश्री। जो आज्ञा महाराज। आशा तो मेरी पहले पति थी। ईश्वर की जैसी इच्छा। अब पवन देवता का स्मरण करो। आर्य पुत्र, इसी पत्थर की भांति कल इसके सामने आते ही बड़े बड़े सूरमाओं का बल टूट जाएगा और इसके भय से रणभूमि कांपेगी। इसलिए हे कुंती, इसका नाम भीम रखना। इस
इसने तो शिला को तोड़ दिया। बड़ा बलशाली होगा, इसका नाम होगा भीम, शत्रुओं के लिए ध्वंस। माँ माँ खाना दो माँ। परे हट, तेरा पेट है के भार, वो तेरा खाना है, जा। मंझले, ना तू सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, पहले कैसे खाएगा? नकुल सहदेव को आ जाने दे, उन्हें खिला के फिर तुझे खिलाऊंगी। उन सबको तो भूख ही नहीं लगती माँ। लगे कैसे, सब भाइयों की भूख तू जो लगा लेता है। अब चुप बैठ। चुप बैठ के क्या करूं, क्या खाने को नहीं आ रूं? हाँ जा, खाता नहीं, दाल गरम कर लूं। नहीं, तू भाइयों के लिए भूख तक नहीं मार सकता। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे छोटा भाई बनाना, मंजला भाई तो बिल्कुल ही ना बनाना। भूख लगी है। आ जाओ, मैं खिलाती हूँ। अब आ गया है माँ। हट, नहीं। पिताश्री नहीं आए माँ? आते ही होंगे। मात्री जी।
यहाँ आओ। नहीं आर्य पुत्र। क्या हुआ? नहीं आर्य पुत्र। तुम अति सुंदर हो। नहीं आर्य पुत्र, नहीं। मेरे पास आओ। आर्य पुत्र। पादरी। 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 जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा, क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। हे भगवान, युधिष्ठिर तुम भाइयों का ध्यान रखना। जी माँ। आर्य पुत्र, आंखें खोलो आर्य पुत्र, कुछ बोलो आर्य पुत्र, कुछ बोलते क्यों नहीं आर्य पुत्र, कुछ बोलो आर्य पुत्र, आर्य पुत्र। यही लिखा था, यही हुआ।